वेलकम अगेन बच्चों आप अब हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हमें करना सबसे इम्पोर्टेंट दो, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों एक आता है मशीनरी अकाउंट का क्वेश्चन और एक आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्वेश्चन यही दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चाहे ये शॉर्ट में आए या ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एडजस्टमेंट बन के आए तो प्लीज याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं और इनके एडजस्टमेंट्स को ध्यान से समझिएगा ध्यान से करिएगा ठीक है तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे फ्रॉम द फॉलोइंग दर्टिकुलट विल बी द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने हमें बोला है कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना मेड होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एज ऑन थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड एंड

इसको टैक्स का कैसे अकाउंट बनता है क्योंकि ये अकाउंट आ सकता है आपका इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बेसिकली एक अकाउंट के फॉर्म में किया है आप देख सकते हैं मैंने यहां पे आपके लिए अकाउंट बना रखा है बस हमें इसकी पोस्टिंग करनी होगी उसको आपको थोड़ा सा देखना होगा ठीक है ओके <clears throat> मैंने क्वेश्चन हटा दिया है क्योंकि मैं अब आपको यहां पे बताऊंगी इसलिए मैंने बुक ले ली है ताकि मैं बुक से पढ़कर आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा दू वो इजी मेथड हो जाता है मेरे लिए ठीक है ओके okay. अब आप देख सकते हैं ओपनिंग कितनी है प्रोविजन की ओपनिंग इज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है तो हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज गॉट यस yes. और फिर क्लोजिंग बता रहे हैं फोर्टी थाउजेंड टू बैलेंस सी डी दैट इज फोर्टी थाउजेंड रूपीज गॉट

अब अब आप देख सकते हो कि डेबिट का बैलेंस है 85,000 फाइव थाउजेंड ठीक है और इधर का बैलेंस इधर का जो आपका एट्टी फाइव थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड यानी कि जो थर्टी फाइव थाउजेंड आया है वो क्या हुआ है आपका दैट दैट इज अ प्रोविजन विच हैज बीन मेड फॉर दिस ईयर दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यस क्लियर एक बात मैं आपको छोटी सी और बात याद दिला दूं बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कहां जाना चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका रिजर्व है और रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है तो मैं दिखा बता देती हूं ओपनिंग यहां क्लोजिंग यहां पे किया फोर्टी फाइव थाउजेंड ये जो बैलेंस निकल के आया ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे एंड दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू चार्ज सो so, अब आपका आपके सामने आपका क्वेश्चन है आंसर आपने निकाल दिया है द आंसर इज थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीस क्लियर अगर आपको एक सेकेंड चाहिए है तो मैं आपको अकाउंट देख लीजिए आप, आपको समझ में आ जाए ठीक है ओके प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स लिमिटेड इश्यू शेयर्स एट अ प्रीमियम जो शेयर्स हैं वो किसमें प्रीमियम पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी शोन एस भाई सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व हैं वो कहां आप शो करते हो भाई शेयर प्रीमियम है ये सिक्योरिटी प्रीमियम है और प्रीमियम का पैसा आप कहां से दिखाओगे कहा मिला है डेफिनेटली आप शेयर्स का इश्यू शेयर का रिडम्शन आप किसमें दिखाते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बिल्कुल द आंसर विल बी इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्योंकि आपने इश्यू किया है तो इनफ्लो होगा आउटफ्लो नहीं होगा तो आपको यह बात ध्यान रखनी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन का क्वेश्चन बोर्ड पे देखिएगा क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एसर्शन ए एंड द रीजन आर चूज वन ऑफ देम करेक्टली

और क्वेश्चन को देख के ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद है आपको मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो हम एड बैक करते हैं ठीक है डेप्रिसिएशन क्यों एड बैक करते हैं इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे एड बैक हो जाते हैं तो डिप्रेसेशन एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है और वो भी एड बैक हो जाएगा यस yes? तो इसका रीजन दिया है डिप्रेसेशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस इट हैज रिड्यूस्ड द नेट प्रॉफिट वेल देयर इज नो कैश आउटफ्लो देखिए जो हम आपको सिखा रहे जो हम आपको बता रहे हैं वही चीज इसमें दे दी गई है और बिल्कुल सही है यस वी एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ट्रांसेक्शन एंड डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक बिकॉज देर इज नो आउटफ्लो ऑफ द कैश तो आप मानते हो ए इज ऑल्सो करेक्ट एंड आर इज ऑल्सो करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होप ये बात आपको मालूम होगी और यह बात आपको समझ में भी आ रही होगी कि क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉन कैश ट्रांसेक्शन है और नॉन कैश जितने भी ट्रांसेक्शन होते हैं वो एड हो जाते हैं वापस ठीक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पे यस इस ओपन एंडेड बच्चों हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन में बेसिकली हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ठीक है हम क्या क्या चीजें डील करेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें क्या क्या चीजें देखनी है मैं इसके लिए अपनी बुक उठाऊंगी ताकि मैं क्वेश्चन समझा रही हूं लेकिन मैं करूंगी नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं मैंने बना रखा है ठीक है रेमो एंड सन्स अ बैंबू पेन प्रोड्यूसिंग कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर नाइन लाख रुपए सबसे पहले मशीनरी परचेज की याद रखिएगा it received a dividend of 70000 as investment in shares the company also sold an old machinery of the book value 79000 at a loss of 10000 compute the cash flow from investing activity question Me, kya pucha investing activity poochhi. क्वेश्चन में क्या पूछा क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है सबसे पहले आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये लाख ,00 का आपने परचेस किया तो डेफिनेटली ये नाइन लाख ,00 का बैलेंस माइनस में जाएगा ठीक है आपको सेवेंटी थाउजेंड मिले हैं तो ये प्लस में जाएगा फिर इन्होंने कहा एक ओल्ड मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू थी सेवेंटी नाइन थाउजेंड ठीक है बुक वैल्यू सेवेंटी नाइन थाउजेंड और वो बिकी कितने में दस हजार रुपए लॉस में बिकी है तो यानी कि वो कितने में बिकी है सिक्सटी नाइन थाउजेंड तो ये कैश इनफ्लो आ गया आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन यस देखिए हमने क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लिया अगर आप चाहें तो यहां पर ही सॉल्व कर ले। लेकिन क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखा दो तो हम छोटा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक मिनट में बना लेते हैं देखिए ये बस ऐसे ही बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखिए पर्टिकुलर लिखिए अमाउंट लिखिए ठीक है आप यहां लिख सकते हैं मशीनरी परचेज कितनी है नाइन लाख मैंने इसे पहले ब्रैकेट में डाल दिया ठीक है नाइन लाख ठीक है इसके बाद उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला सेवेंटी थाउजेंड रिसीव एज डिविडेंट तो यहां पे हम लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड सेवेंटी थाउजेंड ठीक है फिर इसके बाद उन्होंने बोला फिर उन्होंने बोला है सेल हो गई ओल्ड मशीनरी जिसका मैंने आपको पहले बता दिया सेवेंटी नाइन थाउजेंड दिखा रहे हैं दस हजार रुपए का लॉस है तो आपकी बिकी कितने में है सिक्सटी नाइन थाउजेंड में तो अब हम यही लिखेंगे मशीनरी सोल्ड मैं यहां दिखा देती हूं सेवेंटी नाइन थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड यानी कि सिक्सटी नाइन थाउजेंड अब आप प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू में कितना आ जाएगा देखिएगा नाइन लाख ,00 है थोटी सेवन लाख सिक्सटी वन थाउजेंड यस लेकिन ये सेवन लाख सिक्सटी वन थाउजेंड किस में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है तो आप क्या लिखोगे कैश आउट फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होप इट इज क्लियर समझ में आ गया आपको कैसे करना देखिए कितना आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन तीन नंबर का आ जाए तो क्या दिक्कत है एक मिनट में आप निकाल लेंगे आपको दिक्कत ही नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन निकालने में ठीक अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ओके okay. यहां पर कह रहा है विद लिमिटेड विद लिमिटेड एक कंपनी का नाम है हैज अ प्रॉफिट ऑफ सेवनटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड फॉर ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट

और कैलकुलेट करने को क्या बोला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है ये वाला क्वेश्चन आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा हमें जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखनी होती है तो हमें क्या करना होता है जितना भी हमारा डिप्रेसेशन है उन सारे डिप्रेसेशन को एड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ को एड करेंगे प्रॉफिट में क्योंकि वो डिप्रेसेशन नॉन कैश ट्रांसेक्शन है गुडविल भी नॉन कैश ट्रांसक्शन है उसे ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को भी ऐड करेंगे फिर हमें ऑपरेटिंग इन्वेंट्री देखना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा ठीक है क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट लास्ट में चला जाता है होप आपको याद होगा ठीक है फिर इसके साथ आप देखोगे ट्रेड पेबल यूज करेंगे अब हम और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी यूज करेंगे इसके लिए फिर से मैंने अकाउंट बना रखा है आप देखेंगे देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है अब हम इसे करना शुरू करते हैं बच्चों आप लोग बना लीजिए जल्दी से अपनी कॉपीज में ठीक है मैंने बुक उठा ली है और अब मैं बुक के साथ क्वेश्चन करूंगी क्योंकि मेरा क्वेश्चन चला गया तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है प्रॉफिट ठीक है तो मैं लिखूंगी नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ठीक है नेट प्रॉफिट मेरा इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूं ताकि मैं आपको फाइनल आंसर दिखा सकूं नेट प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है सेवनटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आई होप इट इज क्लियर ठीक है जितने भी नॉन कैश ट्रांसेक्शन है मैं उन्हें एड कर रही हूं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वन लाख थर्टी थाउजेंड ठीक है डेप्रिसशन ऑन प्लांट फोर्टी थाउजेंड गुडविल रिटर्न ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिर कह रहे हैं सेल ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना निकला दैट इज नाइन थाउजेंड ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां पर जो हमारा बैलेंस निकलेगा आपको याद होगा हम इस बैलेंस को क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस यही बोलते हैं और याद होगा आपको एडम क्या करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी याद है assets, in या आपको माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी फिर हमारा जो ने निकल के आता है वो क्या होता है नेट कैश जेनरेटेड या यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है ये आप ऐसे ही बनाते हैं ये मैंने ब्लैक पेन से, से लिखा है ताकि अब मैं रेड से जब इसे फिल करूं तो आपको दिखता रहे कि मैंने कहां कहां फिल किया है ठीक है अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग में सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंट्री इन्वेंट्री थी लास्ट ईयर सेवेंटी थाउजेंड रुपीज और इस बार है एट्टी सेवन थाउजेंड रुपीज तो इन्वेंट्री मेरी इंक्रीज हो गई करेंट एसेट से तो मैं यहां लिखती हूं इन्वेंट्री माइनस में जाएगा कितना सेवनटीन थाउजेंड रुपीज ठीक है बात समझ में आई कैसे क्योंकि लास्ट ईयर सेवेंटी थी इस बार एटी सेवन है इंक्रीज हुई है और इंक्रीज इन इन्वेंट्री करंट एसेट है वो माइनस में होगा इसके बाद आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर था सिक्सटी सेवन थाउजेंड और इस बार है फिफ्टी एट थाउजेंड रुपीज यानी कि आपका नौ हजार रुपए का इंक्रीज हुआ है नौ हजार रुपए का आपका ट्रेड रिसीवेबल मैं दोबारा पढ़ती हूं ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर था सिक्सटी सेवन थाउजेंड और इस ईयर डिक्रीज हुआ है सॉरी फिफ्टी एट थाउजेंड तो जो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स हैं तो वो आपको ऊपर लिखने आप यहां लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल्स नौ हजार ठीक है इसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट आपको लेना नहीं है ट्रेड पेबल की बात करते हैं लास्ट ईयर थे वन लाख इलेवन थाउजेंड रुपीज और करेंट ईयर में है वन लाख सिक्स थाउजेंड रुपीज यानी कि करंट ईयर में रिड्यूस हो गए हैं जब करेंट ईयर में रिड्यूस हो गए तो माइनस होता है यहां पे आप लिखोगे ट्रेड पेबल पांच हजार ठीक है इसके साथ नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर था सात हजार और इस बार चार हजार फिर से रिड्यूस हुई है आउटस्टैंडिंग सैलरी अगेन अ पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटी रिड्यूस होने पे हमें उसको लिखना है रिडक्शन पे तो अब आप देख सकते हो हमने सारी एंट्रीज कर दी है कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं आता आपको बता है ये बात ठीक है अब हम इसे बैलेंस करते हैं ऊपर सारी चीजें जोड़ने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है वन लाख नाइन सॉरी नाइनटीन लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड ठीक है उसमें नाइन थाउजेंड रुपीज और जोड़ने के बाद और जो बैलेंस निकल के आ रहा है इन सबको वर्किंग कैपिटल निकाल दिया बिफोर और अब जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है नाइनटीन थाउजेंड नाइनटीन लाख थर्टी एट थाउजेंड सो दिस इज वॉट हाउ द कैश इज जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होप इट इज क्लियर समझ में आया नॉन कैश ट्रांसक्शन एड कर दिए ठीक है थीके? इसके बाद हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाला उसके बाद वर्किंग कैपिटल के साथ डील किया प्लस और माइनस आपको समझ में आ गया होगा इसको प्लस और माइनस करने के बाद जो नेट बैलेंस आया ये जेनरेट हो रहा है पॉजिटिव में है इसलिए वो जेनरेट हो रहा है अगर नेगेटिव में होता तो हम यूजेज लिखते क्लियर तो बच्चों ये क्वेश्चन था जो आपकी Uh, जो आपके तीन नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कई चीजें दी हुई हैं कैश और कैश इक्वलेंट का याद रखिएगा कि वो करंट एसेट्स में नहीं जाते वो कैश और कैश इक्वलेंट हमारी बैलेंस लास्ट में जाते हैं जब हम लोगों को टैली करना पड़ता है सारी एक्टिविटीज को देखने के बाद ठीक है बिल्कुल करंट में दिए होंगे लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज का बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए मैं आपसे एक बात बोलूंगी वो ये कि आप लोग एक मशीनरी अकाउंट बना लीजिए ऐसे टी फॉर्म में एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लीजिए ठीक है देखिए मैंने बना दिया है ताकि मुझे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो ठीक है ये बहुत जरूरी था अगर मैं अभी बनाती तो इसमें पांच सात मिनट और लग जाते और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराती फिर एक एक चीज लिखती इसलिए मैंने पहले ही ये चीज बना के रख दी है ताकि अब मुझे सिर्फ फिलअप्स भरने हो तो आप एक मशीनरी अकाउंट बनाइए ऐसे करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लीजिए देखिए सरप रि रिजर्व एंड सरप्लस लिख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस टैक्स पेड और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेटेड या यूज या आपको देखना है बाद में फिर मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लिख दिया फिर मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लिख दिया और फिर मैंने नेट इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आपका आता है कैश और कैश इक्वलेंट पे वो लिखिए फिर ओपनिंग के साथ प्लस कर दीजिए माइनस कर दीजिए और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ये मैंने यहां पे अभी इसलिए लिख दिया क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके बुक में दिया हुआ है अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा ठीक है इन्होंने दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आर एम लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी स्टेटमेंट शेयर कैपिटल दिया है आप देखिए शेयर कैपिटल ये यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में या बोर्ड्स में क्या करते हैं इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे 20 लिख देते हैं यहाँ पे 21 कई बार यहाँ पे 21 और यहाँ पे 20 तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको करना क्या है ठीक है तो आप देखिएगा कि पहला जो दिया हुआ है करंट ईयर का दिया हुआ है और ये प्रीवियस ईयर है तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे लिख भी लीजिए ताकि आपको गलती ना अब आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ये जो फर्स्ट दिया है ठीक है और ये फर्स्ट दो जगह दे दिया ये फर्स्ट ये वाला इसमें फर्स्ट की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि नोट टू अकाउंट इससे रिलेटेड है नहीं एक मिनट यस शेयर कैपिटल में ये जो पहला वाला फर्स्ट दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है तो हम इसे इरेज कर देते हैं ठीक है ओके आप देखिए ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का देखेंगे अब हम हम यहां देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा शेयर कैपिटल था वो दस लाख था और इस बार पंद्रह लाख हजार पांच, हज, पांच लाख रुपए इंक्रीज हो गया तो पांच लाख इंक्रीज हो गया मैं यहीं पे कर रही हूं थोड़ा सा फिर आप देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस और यहां पे दिया हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया होता तो आप जनरल रिजर्व लेंगे या रिजर्व आंसर प्लस वाला लेंगे ठीक है तो यहां पर भी आप देख सकते हैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो है सिक्स लाख रुपीज और इस बार का प्रॉफिट कितना है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पे ठीक है क्लियर फिर अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरो में वन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब ये है लास्ट ईयर इन्होंने दो लाख रुपए थे इस बार एक लाख रुपए पर इसी के साथ इन्होंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि जो डिवेंचर्स हैं वो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ही रिडीम हुए यानी कि इसी साल के लास्ट में रिडीम किए पर यूज तो पूरे दो साल में तो यहां पे नेगेटिव बैलेंस है एक लाख रुपए का ये बात याद रखिएगा और नाइन परसेंट इंटरेस्ट भी हमें पे करना है ये अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे ठीक है बढ़ते हैं आगे फिर आप देखेंगे ट्रेड पेबल दस हजार का डिफरेंस आ रहा है फिर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन पंद्रह हजार इसमें भी दो लिखा हुआ है टू लिखा हुआ है तो हम देखते हैं टू में क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जब टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो ठीक है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो नाइन फाइव थाउजेंड है ये हमारा करंट ईयर का है और ये जो एट्टी थाउजेंड है ये हमारा प्रीवियस ईयर का है ठीक है तो हम इसके साथ डील करेंगे ये जो करंट ईयर वाला है ऊपर एड हो जाता है और जो प्रीवियस ईयर वाला है वो नीचे सब्सट्रैक्ट होता है कैसे वी विल डू दैट आल्सो ठीक अब बढ़ते हैं आगे देखेंगे आप ट्रेड पेबल हो गया ये हो गया ओके फिक्स एसेट्स एसेट्स में देखते हैं नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स में थर्ड नंबर दिया हुआ है टाइमज इन uh, देखते हैं हम यहाँ पे ये हमारा इंक्रीज हो गया है ठीक है ये हमारा इंक्रीज हुआ है टांजेबल भी हमारा इंक्रीज हुआ है टांजेबल में गुडविल है इसमें ठीक है ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है इंक्रीज हुआ है ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हुआ है इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज हुई हैं और कैश और कैश इक्वलेंट को तो हमें लास्ट में डील करना है ठीक है अब यहां हमने पढ़ लिया हमने यहां तक कर लिया था प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्सेशन तक ये मुझे आपको बताना जरूरी था अब टैंजेबल एसेट्स में देखिए टैंजेबल एसेट्स में आप प्लांट एंड मशीनरी देख सकते हैं प्लांट और मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है वो दे रखा है आपका टू लाख एट्टी थाउजेंड सॉरी टेन लाख टेन और नाइन लाख ठीक है और गुडविल भी आप देख सकते हैं कि इंक्रीज पे है यानी कि परचेज की हुई है अगर गुडविल डिक्रीज होती है तो राइट ऑफ होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती है और अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है तो परचेज की हुई है और वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉट फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाए कैश और कैश इको ये सारी चीजें थी अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन हम सबसे पहले डील करते हैं जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से डील कर लेते हैं या नोट टू अकाउंट से दे ये नोट टू अकाउंट है ना ये सारा ये जो पूरा पार्ट आपका दिया हुआ ये नोट टू अकाउंट है हम इससे जब भी डील कर लेते हैं तो हमारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन हम खत्म कर चुके होते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से डील करते हैं जैसे मैंने आपको बोला एडिशनल इंफॉर्मेशन से हम बहुत कुछ हमारा पहले ही निपट जाएगा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज एटी थाउजेंड टे वॉज फिफ्टी थाउजेंड वॉज सोल्ड फॉर थर्टी थाउजेंड अस्सी हजार की मशीनरी थी एक्मोलेटेडन था उस पर पचास हजार रुपए और वो तीस हजार में बिक गई तो अगर आप ध्यान दो तो नो प्रॉफिट नो लॉस क्योंकि भाई पचास अस्सी हजार की है पचास हजार चला गया डिप्रेसेशन में तीस हजार की बिकी और तीस हजार की थी और तीस हजार में बिक गई तो नो प्रॉफिट नो लॉस यस लेकिन इसका असर कहां पड़ेगा इसका असर पड़ेगा पहले तीस हजार रुपए आप कहां लिखोगे बिल्कुल सही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप प्लस कर दोगे ठीक और ये पचास हजार रुपए क्योंकि नॉन कैश ट्रांसेक्शन डिप्रेशन ऊपर प्रॉफिट में एड कर दोगे क्लियर हो गया ठीक है दूसरी बात नाइन परसेंट डिवेंचर्स व रिडीम ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन परसेंट डिवेंचर अभी हमने डिस्कस किया था पहले थे दो लाख और अब है एक लाख भाई पहले दो लाख अब एक लाख यानी कि हमने पूरे दो लाख के डिवेंचर पूरे साल भर तो यूज किए हैं तो इस पे जो नाइन परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हुआ अठारह हजार रुपए ये अट्ठारह हजार रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और फिर किस में जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे क्योंकि हमने फाइनेंस क्योंकि हमने डिवेंचर्स को क्या किया रिडीम कर दिया क्लियर तो अब हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं मशीनरी अकाउंट मैं अपनी बुक अपने हाथ में रख रही हूं ताकि कोई भी ट्रांसेक्शन रह ना जाए और हम करते हैं ठीक है तो अब हम देखते हैं मशीनरी अकाउंट तो हम मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं टू बैलेंस प्लीज करते चलिएगा टू बैलेंस बी डी नौ लाख एसेट है ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में जाएगा क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सी डी कितना है लाख टेन थाउज क्लियर ठीक है अब इसके बाद आपने मशीनरी के पे डेप्रिसिएशन लगाया तो आप लिखोगेशन या आ गया आपका पचास हजार आपने मशीनरी को बेच दिया तो आप लिखोगे बाय कैश तीस हजार यस अब यहां पर जब आप टोटल करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो बैलेंस है वो इस तरफ आ रहा है तो यहां पर जो बैलेंस आता है उसे हम बोलते हैं परचेज और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर परचेज लिखना है और बैलेंसिंग फिगर लिखना है इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है टेन लाख नाइनटी थाउजेंड रुपीज जिसमें से नाइन लाख ,00 हम माइनस करेंगे ठीक है नाइन लाख माइनस करने के बाद हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा वन लाख नाइंटी थाउजेंड रुपी ये आपका बैलेंसिंग फिगर है क्लियर क्लियर अब हम इसे कैसे पुट करेंगे बढ़ते हैं आगे सबसे पहले हम जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसे हम लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस में डिप्रेसेशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी देखिए यहीं पे मैं लिखती जा रही हूं ताकि मेरा कोई भी ट्रांसेक्शन छूटे नहीं फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का मैंने ट्रांसेक्शन लिख दिया यहां पे ठीक है आप, फिर दूसरा मेरा जो थर्टी थाउजेंड रुपीज का मेरे को इनकम हुई है वो पहले मैं लिखूंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं यहां पे लिख रही हूं पर, आ, सेल सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पैसा आया थर्टी थाउजेंड रुपीज मैंने लिख दिए ठीक है और यहां पर ही मुझे यह भी बात पता चली कि मैंने वन लैख नाइन्टी थाउजेंड रुपीज का परचेज भी किया देखिए ब्लू का ट्रांसेक्शन है परचेज भी किया है तो यह भी तो मुझे लिखना पड़ेगा ये हिडन ट्रांसेक्शन होते हैं ये हमें ध्यान रखना पड़ता है यहीं पे मैं लिख रही हूं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वन लाख फ्लो में ना बिल्कुल चलता चलता पेन पता नहीं चलता वन लाख नाइंटी थाउजेंड रुपीस परचेज है माइनस कर दिया अब आप देख सकते हैं और आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जब हमने मशीनरी अकाउंट बनाया तो हमने उसे कहां कहा ट्रांसेक्शन तो था मशीनरी अकाउंट का ट्रांसक्शन और सेकंड वाला अब हम करते हैं सबसे पहले हम सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला कर लेते हैं ताकि वो हमारा क्वेश्चन इजी बना दे आप देख सकते हो नाइन परसेंट डिवेचर्स वे रिडीम ऑन थर्टी मार्च ट्वेंटी जब हमारे डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा तो सॉरी हमें क्या देना पड़ेगा हमें पैसा देना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर जब हम रिडम्पशन की बात करते हैं मैं अलग सा पेन ले लेती हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहां पे लिखूंगी मैं रिडम्पशन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना है दो लाख से एक लाख हो गया था तो एक लाख रुपए के डिवेंचर्स मेरे रिडीम हो रहे हैं प्लस मैंने उस पर इंटरेस्ट भी दिया है उसे भी यहां माइनस करूंगी मैं और मैं यहां लिखूंगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ठीक है नाइन परसेंट ऑन टू लाख टू लाख ठीक है अट्ठारह हजार रुपए का इंटरेस्ट भी दिया है उसे माइनस करूंगी और उसे एक जगह और लेके जाऊंगी वो कहा है रिजर्व एंड सरप्लस के साथ मैं उसे ऐड कर दूंगी क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है बात तो यहां पे लिखूंगी प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अठारह हजार रुपये क्लियर यहां तक क्लियर हो गया बच्चों अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने पूरा जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो हमने कंप्लीट कर दी है और अब नीचे से ऊपर बढ़ेंगे ठीक है अब हम देखेंगे नोट टू अकाउंट में नोट टू अकाउंट में आप देखिए तो डिवेंचर्स वाला आपने काम कर दिया है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला जो सेकेंड वाला लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखें तो आपने नाइन्टी फाइव थाउजेंड रुपीज इस बार निकाले हैं और नाइन्टी फाइव थाउजेंड में से एट्टी थाउजेंड का आपने पेमेंट किया है तो जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इस बार निकाला है वो आप इधर ऐड करोगे लिखोगे इधर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये extraordinary items आइटम्स में एड हो जाता है पर मैं इधर ही एड कर रही हूँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हम अपना टाइम ही सेव करते हैं। और जितना आपने पे किया है जो आपने लास्ट ईयर ड्यू किया होता है वही इस साल आपने पे किया होता है तो आप देख सकते हैं कि एट्टी थाउजेंड रुपीज जो लास्ट ईयर के वो आपने इस साल पे किए तो एट्टी थाउजेंड रुपीज टैक्स में आप माइनस कर दीजिए क्लियर ठीक है अब प्लांट और मशीनरी हम कर चुके हैं नेक्स्ट वेरी गुड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो आया है वो है एसेट्स का जो गुडविल दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर तो मेरी गुडविल थी टू लाख और इस बार मेरी गुडविल कितनी है टू लाख एट्टी थाउजेंड रुपीज तो इसका मतलब क्या है मैंने की गुडविल में और इन्वेस्टमेंट किया है तो जब इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी और वह यहां पे लिख दो परचेस परचेज ऑफ गुडविल ठीक है कितना है एट्टी थाउजेंड रुपीज हम यहां पे माइनस करेंगे क्लियर बच्चों ठीक है इसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट का आप देख सकते हैं मैंने पहले ही बैलेंस लिखा हुआ है तो उसे हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है अब हम आगे बढ़ते हैं तो शेयर कैपिटल में आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल में हमारा पहला जो था वो था दस लाख रुपए और अब है पंद्रह लाख तो यानी कि पांच लाख रुपए हमें मिले हैं तो जब हमें पांच लाख रुपए मिले हैं तो बेसिकली हमें पांच लाख का ट्रांसेक्शन भी लिखना पड़ेगा यस तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना है लाख अभी मैंने आपको बताया था आपने देखा होगा दिखाती हूं मैं दोबारा आपको ये देखिए ये मैंने इंक्रीज करके दिखा रखा है पांच लाख रुपए हम डाल चुके ठीक हैं ठीक है, है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हम कर चुके हैं अब हम आ जाते हैं ट्रेड पेबल में ट्रेड पेबल पहले था एक लाख दस हजार का और इस बार है एक लाख का यानी कि दस हजार रुपए जो है वो रिड्यूस हुए हैं जब Uh, हमारी करंट लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो हम वो कहाँ डालते हैं चलिए डालते हैं बिल्कुल यहां पे हम ट्रेड पेबल, ओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों। यहां पे बिल्कुल हम यहां डालेंगे ट्रेड पेबल दस हजार ठीक है आपके पास आपके बुक में क्वेश्चन है आप उसी को देखिए ट्रेड पेबल के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम कर चुके हैं सेकंड वाले पॉइंट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में अब नेक्स्ट एसेट्स पे आते हैं हम लोग एसेट्स में आते हैं हमारे टैंजिबल एसेट्स टैंजिबल एसेट्स में हम थर्ड वाला पॉइंट कर चुके हैं आपने देखा होगा प्लांट और मशीनरी वाला इंटंजिबल गुडविल भी कर चुके हैं ट्रेड रिसीवेबल्स देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल पहले थे 150000 और इस बार बढ़ गए 2 लाख तो बढ़ते हुए हम यहां से फिर माइनस करेंगे यहां पे अब लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ गया पचास हजार ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्रीज स्टॉक की बात करते हैं हम ठीक है बिल्कुल सही स्टॉक हमारा था पहले एक लाख और अब आ गया एक लाख अस्सी हजार अस्सी हजार बढ़ गया तो हम इसको फिर से यहां लिख देंगे इन्वेंट्रीज 80, Hope I am clear. ठीक है। इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट के सारी चीजें खत्म होती हैं और हमारा यह क्वेश्चन में जितनी भी एंट्रीज हमें फिल करनी थी वो सारी की सारी एंट्रीज हम फिल कर चुके हैं अब हम बात करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप देख सकते हैं सारे अमाउंट जो आपने प्लस के प्लस में लिखे माइनस के माइनस में लिखे सारी चीजें आपने कर दी है सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं यहां पे आप देख सकते हैं सरप्लस हो गया सरप्लस मैंने नहीं लिखा जो हमारे क्वेश्चन में दिया था प्रोविजन मैंने सोचा मैंने लिख दिया पर नहीं लिखा था एक लाख पचास हजार ठीक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो गया डेन हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया इन सबका जो टोटल आता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस थ्री लाख थर्टीन थाउजेंड रुपीज ठीक है बच्चों इसके बाद ये पूरे ट्रांसक्शन माइनस होते हैं टेन फिफ्टी एंड एट्टी ठीक है इन्हें माइनस करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आता है ये बेसिकली हो गया नाइनटी एंड वन लाख फोर्टी थाउजेंड माइनस हो जाता है और इसके बाद जो हमारा बैलेंस बचता है वो बचता है वन लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड क्लियर वन लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड हमारा बैलेंस बचता है इसमें से हम एटी थाउजेंड रुपीज फिर से माइनस करते हैं जो हमने टैक्स पे किया है तो अभी हमारा बैलेंस कितना बचा नाइंटी थ्री थाउजेंड रुपीज हो पाए क्लियर नाइनटी थ्री थाउजेंड रुपीज हमारा बैलेंस बचा ये हमने बैलेंस उठा के बाहर लिख दिया ठीक सेकेंड में आते हैं अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हैं सेल लिख लिया गुडविल लिख ली गुडविल लिख ली सेल लिख लिया परचेस वन लाख नाइनटी थर्टी और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट परचेज ठीक है अभी आप यहां पे इन सारी चीजों को लिखेंगे तो आपका जो बैलेंस आता है इन्वेस्टमेंट परचेज पांच लाख रुपए का हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था वो हमने लिखना नहीं वो हम लिखना भूल गए ठीक है इन्वेस्टमेंट परचेज जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में पांच लाख रुपए का वो हम लिखना रह गया मेरा तो मैंने क्वेश्चन देख लिया है इन्वेस्टमेंट परचेज आप देख सकते हैं डायरेक्टली दिया हुआ है पांच लाख रुपए का ठीक है नॉन कैश ट्रांजेक्शन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में वो हमने लिख दिया तो यहां पर बैलेंस हमारा जो निकल के आता है वो निकल के आता है सेवन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है क्या निकल के आया सेवन लाख फोर्टी थाउजेंड नेगेटिव बैलेंस क्योंकि ये भी हमने परचेस किया तो ये भी नेगेटिव, ठीक है इसके बाद ये हमारा सेकेंड ट्रांसेक्शन इसको मैं थोड़ा इधर लिख देती हूं सेवन सेवन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज का नेगेटिव बैलेंस ठीक है इसके बाद हमारा आ, इन्वेस्टिंग हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने जो तीनों लिखे हैं इसका आ, जो बैलेंस निकल के आया वो आया है आ, ये माइनस में है वन लाख एट ये आया है थ्री लाख एट्टी टू थाउजेंड ठीक है थ्री लाख एट्टी टू थाउजेंड पॉजिटिव है अब आप देखिए ये पॉजिटिव 93,000 पॉजिटिव 3 लाख एटी पॉजिटिव और लाख लाखेंड नेगेटिव जो आपका बैलेंस यहां पे निकल के आता है ये जो मैं निकाल रही हूं वो निकल के आता है नेगेटिव में वो निकल के आएगा टू लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड ठीक है जब आप टू लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड इसको माइनस करना है आपने माइनस किया इसके बाद आपका जो कैश और कैश इक्वलेंट है जो आपका बैलेंस है वो कैश और कैश इक्वलेंट के आ जाता है दैट इज थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आई हो बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अब आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है कैसे हमें ध्यान देना है कि कौन सी एक्टिविटी है और कैसे हमें जो पोस्टिंग है कौन सी एक्टिविटी में कितनी डालनी ठीक है तो यहां पर ही हम आपसे विदा लेते हैं और हम यही चाहते हैं कि आप मैक्स मार्क के साथ बने रहिए और अपने कैलकुलेशंस, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा क्योंकि टर्म टू का पेपर इजी नहीं होगा आपका पेपर अच्छा मिलेगा क्योंकि भाई अब सब्जेक्टिव है लॉन्ग क्वेश्चंस करने में टाइम लगता है अपने टाइम को कैसे बचाना है इसका टाइम मैनेजमेंट जरूर करिएगा चलिए ठीक है थैंक यू